अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, हमारा AS पेपर 2 का चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, और चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारे पास टोटल ना 8 टॉपिक होते हैं। ठीक है, 8 टॉपिक के अंदर से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये 8 टॉपिक कौन कौन से हैं। 8 टॉपिक में से मैंने आपको बिल्ट इन डेटा टाइप पढ़ा दिया, कंपोजिट एंड नॉन कंपोजिट डेटा टाइप पढ़ा दिया, बेटा मैंने आपको लास्ट लास्ट में रिकॉर्ड पढ़ा दिया था। ठीक है, ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। नाउ आज हम पढ़ेंगे 1D array एंड 2D array विद द पास्ट पेपर्स। ठीक है, और कल की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर सर्च। गॉट इट बेटा? एंड देन उसके बाद हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग एल्गोरिदम, फाइल्स, फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट और क्यू। सही बच्चों, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस सर शुरू करूं? जी। चलें जी, शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का बैकअप भी मैं दे रहा हूं, बताया हुआ है ना मैंने आप लोगों को। इस वीक का मैं स्केड्यूल डिस्कस कर लूंगा अभी। बच्चों आज की जो मेरी क्लास है वो है 1D array और 2D array। अच्छा, 1D array 2D array वो टॉपिक है जो ना आपके चैप्टर 9 में भी आता है और आपके चैप्टर 10 में भी आता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये, आपको मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर करी भी है, पहले भी मैं आपको 1D array 2D array पढ़ा चुका हूँ ना। अब बेटा चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी 1D array 2D array है और इसके पास पेपर के सवाल है। ठीक है, रिकॉर्ड मैंने आपको पढ़ा दिया है, नाउ मैं आपको 1D array 2D array पे लेके जाता हूँ। उससे पहले जरा एक बेसिक फर्क जरा सुनने बेटा, वो ये कि अगर अगर कोई आपको बोले रिकॉर्ड एक ऐसी डेटा की टाइप है, आप बोलोगे यस, बट रिकॉर्ड के अंदर आप मिक्स डेटा की टाइप लिख सकते हो, यस है ना। एरे के अंदर आप मल्टीपल डेटा स्टोर करते हो, और एरे के अंदर जो डेटा की टाइप होती है वो क्या होती है बेटा? सेम। क्या ये बात पता थी आप लोगों को? यस और नो सर बोलो? पता है, पता है हाँ ना, पता थी। पता थी ना, कोई नई बात तो नहीं थी। सही है, एरे की 2 डायमेंशन होती है, एक होती है 1D array और एक क्या होती है बेटा? 2D array। गॉट इट? अब 1D array और 2D array जरा इसको मैं आपको दिखाता हूं, और ये सब रिकॉर्ड वगैरह सब मैंने पढ़ा दिया है और ये सब मेरी डायमंड बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा हमारा आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया लास्ट क्लास का, हमारे बेटा इसका भी ले लो आप। बेटा ये देख लो, पास पेपर का सवाल है रिकॉर्ड का, लास्ट लेक्चर था ना रिकॉर्ड का, ये रिकॉर्ड का लेक्चर का सवाल आपको कल तक मुझे करके देना है। ये है मई जून 2023 का पास पेपर है, खुद से करना है और खुद से मुझे भेजना है, ग्रुप पे भेजिएगा सारे बच्चे। नाउ आई एम स्टार्टिंग AS पेपर 2 टॉपिक नंबर 4, दैट इज एरेज। एरेज की 2 डायमेंशन होती है, 1D array 2D array। बच्चों एरे क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने वाला। अच्छा, एरे के अंदर जो मल्टीपल डेटा स्टोर होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, या तो वो होगा 1D array और या तो वो होगा 2D array। ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1D array एंड 2D array? चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है मैंने, बोलो। सर 2D में कॉलम्स एक से ज्यादा होते हैं, सर ये क्या बात हुई? तो 1D में भी 2D में रोज एंड कॉलम्स होते हैं जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हैं। वेरी गुड, मल्टीपल डेटा टाइप नहीं, डेटा की टाइप तो सेम ही रहती है, एरे में डेटा की टाइप सेम ही रहती है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, आइए ये बात अब आपको समझ आएगी। पहले मैं आपको दिखाता हूं 1D array 2D array के दरमियान डिफरेंस, ये है भाई डिफरेंस। सही है ना, 1D array एंड 2D array। देखिए 1D array ये रहा, ठीक है, इस 1D array के अंदर एक इंडेक्स पे एक वैल्यू है, 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 एक इंडेक्स पे एक वैल्यू है। ठीक है, बताओ सबसे छोटा इंडेक्स क्या है 1D array में? 1 है बेटा, जवाब देंगे ये, मेरे साथ ये सुस्ती वाली क्लास नहीं चाहिए। 1 है और 1 को बोलते हैं लोअर बाउंड। बताओ सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है? 7 7 को क्या बोलते हैं? अपर बाउंड। ठीक हो गया, और ये जो वैल्यूज होती हैं इन वैल्यूज को क्या बोलते थे बताओ? एलिमेंट्स एलिमेंट। एलिमेंट्स ठीक हो गया, एरे के अंदर एक पोजीशन पे एक डेटा आता है, दूसरी पोजीशन में दूसरा डेटा आता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है डेटा क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइज। बोलो डेटा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज। अच्छा, लेकिन एरे में जो डेटा की टाइप है, एरे में जो डेटा की टाइप है वो क्या है? सेम। एरे में सेम डेटा टाइप इस्तेमाल होती है।
एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेटा की टाइप क्या होगी, सेम। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे रियल है तो यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पर कैरेक्टर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एरे में जो पोजीशंस होती हैं उन पोजीशन को क्या बोलते हो बच्चों, जल्दी बताओ। इंडेक्स इंडेक्स, इंडेक्स ठीक है, क्या बोलते हो, इंडेक्स। सबसे छोटा इंडेक्स कहलाता है लोअर बाउंड, सबसे बड़ा इंडेक्स कहलाता है अपर बाउंड। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस एरे का नाम है 1D, तो मैंने लिखा 1D, और 1D के 4 पे क्या है, अगर कोई आपसे पूछे 1D के 4 पे क्या है, आपने बोल दिया 40, ठीक है ना। ये तो हो गई 1D एरे। नाउ 2D एरे पे जा रहा हूँ। देखो 1D एरे में एक फॉर का लूप लगेगा, और उस फॉर के लूप से हम क्या कर लेंगे बेटा, इंडेक्सेस को चला लेंगे। जब तुम 2D एरे में आओगे ना, तो 2D एरे में एक्चुअल में एक लूप चलता है रॉ के लिए। देखो रॉ 1 कॉलम 1, रॉ 1 कॉलम 2, रॉ 1 कॉलम 3, रॉ 1 कॉलम 4, ठीक है। एक रॉ में 4 कॉलम है, दूसरी रॉ में भी 4 कॉलम है, तीसरी रॉ में भी 4 कॉलम है, चौथी रॉ में भी 4 कॉलम है, और पांचवी रॉ में भी कितने कॉलम है, 4। तो बेटा कोई अगर आपसे बोले कि इस रॉ में कितने कॉलम है, आप बोलोगे 4, ठीक है। अब बेटा जरा माइक अनम्यूट करके बताएं, अगर कोई आपसे बोलता है 2D एरे का स्ट्रक्चर क्या है, आप बोलोगे पहले अगर लिखा हुआ है ना 1, तो ये 1 का मतलब है रॉ 1, और इस 1 का मतलब है कॉलम 1, ठीक है। तो 1,1 का मतलब ये है रॉ 1 कॉलम 1, रॉ 1 कॉलम 1, ठीक है। तो बताओ जल्दी से लड़कों, अगर 1,1 है तो कहाँ पे जाऊंगा मैं, इधर रॉ 1 कॉलम 1, बताओ वैल्यू क्या है, 105। पांच चलो बताओ 2,5, नॉट पॉसिबल, 5वां कॉलम ही नहीं। 2,2, बताओ 103 103, क्योंकि सेकंड रो ये रही ना और सेकंड कॉलम ये रहा। चलो 3,2, थर्ड रो और सेकंड, 100 यही है ना बच्चों, सबको समझ आ रहा है, देख लो यहाँ लिखा हुआ है 2D एरे, नाम है रॉ 1 कॉलम 1, क्या डेटा निकला बेटा, 105। रॉ 2 कॉलम 2, बताओ बच्चों डेटा क्या निकला, 103। ये कॉलम 1 पूरी यहां पर आई, कॉलम 2 पूरी यहां पर आ गई, कॉलम 3 पूरी यहां पर आ गई, कॉलम 4 पूरा यहां पर आ गई। सही, जब भी कोई बोले 2D एरे चलाने हैं, तो आप बोलोगे यार 2D एरे का मतलब है 2 फॉर के लूप लगेंगे, क्या लगेंगे, 2 फॉर के लूप। एम आई क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा शाबाश, अब 1D एरे 2D एरे समझ आ गया, ठीक है। अब देखो ये रहा 1D एरे, देखो 1D एरे में क्या फर्क है, 1D एरे के अंदर आपके पास मल्टीपल्स वैल्यू स्टोर करते हैं, और मल्टीपल्स वैल्यू के डेटा की टाइप क्या होती है, सेम। और मल्टीपल वैल्यू में जो डेट पोजीशन होती है उन पोजीशन को बोलते हैं इंडेक्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में सबसे छोटा एलिमेंट कहलाता है लोअर बाउंड, सबसे बड़ा एलिमेंट कहलाता है अपर बाउंड, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। मैंने इस पूरी एरे का नाम रखा हुआ है आकेप, तो आकिब के 10 पे होगा 100, आकिब के 20 पे होगा 200, आकिब के 30 पे होगा 300, इस तरीके से होगा। कोई अगर आपको बोलेगा ना कि एरे फॉर्म करनी है, तो आप करते हो एरे को डिक्लेयर, आप करते हो एरे को क्या, डिक्लेयर। आपने बोला डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद एरे का नाम क्या रखा मैंने, कुछ भी रख सकते हैं, ये आइडेंटिफायर है एक्चुअल में। एरे का नाम रखा आकिब, लोअर बाउंड तुमने स्टार्ट किया बेटा 10 से, और अपर बाउंड तुम कितना रखना चाहते हो, 60। तो आपने कहा एरे बना रहे हो, तुम अभी यूज नहीं कर रहे, एरे बना रहे हो, बनाने को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करना, उसकी डेटा की टाइप। इन सब की डेटा की टाइप क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ व्हाट, इंटीजर। तो बताइएगा क्या इसमें कहीं पर पॉइंट वाला नंबर आ सकता है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि डेटा की टाइप इंटीजर है ना। शाबाश। तो इसके अंदर सारे डेटा, सारे जो नंबर्स हैं या एलिमेंट हैं वो सब क्या आएंगे, होल नंबर, सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 1D एरे, आके ठीक है ना। बताओ मार आकिब के 10 पे क्या है, अगर मैं लिखता हूं आकिब 100 100, ये 10 जो लिखा है ये क्या है, इंडेक्स, और आप उस इंडेक्स पे गए तो क्या मिल गया आपको, 100 एलिमेंट, सही है बच्चों। आकिब के 20 पे गए तो 20 पे पता लगा 200 है, आकिब के 30 पे गए तो 30 पे पता लगा क्या है, 300। देखो एरे की दो डायमेंशन होती है, 1D एरे और 2D एरे, ठीक है, दिस इज द 1D एरे एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ
बेटा एक सवाल आया था जो मैं आपको चैप्टर 9 में भी करा चुका हूँ, जरा यहाँ पर भी जल्दी से क्विक रिव्यू दे दूँ। अगर कोई आपको बोलेगा कि इनपुट लेने हैं 50 नंबर और उसको स्टोर करा दो एक 1D एरे में और 1D एरे का नाम है नम, तो एक्चुअली सबसे पहले मैं एरे को फॉर्म करने के लिए करता हूँ डिक्लेयर, ठीक है। डिक्लेयर एरे का नाम क्या है, नम और लोअर बाउंड और अपर बाउंड। लोअर बाउंड रखा है 1 से लेके, अपर बाउंड क्या रखा है 50, ठीक है। आगे रखा एरे ऑफ क्या बेटा, इंटीजर। इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट जो भी यूजर देगा वो सब के सब जाके एरे में स्टोर होंगे, और पहला इंडेक्स क्या होगा 1, तो डेटा 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, और फिर लास्ट में किस पे जाएगा 50 पे। अब बेटा क्योंकि तुम्हारा लोअर बाउंड 1 है तो मैं फॉर का लूप स्टार्ट करूंगा। अगर आपको लूप नहीं पता क्या होता है तो आप बेटा ये वीडियो यहीं पॉज कर दें और जाके पहले लूप वगैरह रिवाइज करें, ठीक है। लूप वगैरह पता है ना सबको या नहीं पता? जी पता है ना सबको, सारे बच्चे? सर, अच्छा, ये जो एक बच्चा है वह ऑनर 8X के नाम से, भाई ये नाम सही करे, कौन बच्चा है? सही कर लिया, कौन था ये? सही करो उसको, वरना मैं बाहर निकाल दूंगा। जल्दी उदी चले गया वो, मैं निकाल लूँ बेटा आपको। चलो, अमार, अरीब, हमजा, फरहान, मुजम्मिल, समीर, अवेस। जैद कौन है ये बच्चा? जैद, जैद कौन है? जैद कौन है? समीर अवेश कौन है? जवाब दें, बाहर निकाल दूंगा वरना। मैं हूँ समीर अवेश। तो तो तुम मुझसे पढ़ते हो? जी, ऑनलाइन सेशन में अभी इनरोल करवाया मैंने। ओके ओके। और जैद और सईद, जैद और सईद आप लोग पढ़ते हो मुझसे या आउटसाइडर हो? बोले जल्दी जल्दी। जैद और सईद जवाब दें। टाइप क्यों कर रहे हो आप लोग? मुझसे पढ़ते हो, रजिस्टर्ड बच्चे हो या ऐसे ही आ गए बाहर से, ये पूछ रहा हूं। रजिस्टर्ड हो ग्रुप पे जैद और सईद? कह रहा जी सर रजिस्टर्ड हूँ। सर मैं भी रजिस्टर्ड हूँ। अच्छा ठीक है, सही है, फिर दोनों बच्चे रजिस्टर्ड हैं। ओके आइए, तो एक्चुअली वापसी आ रहे हैं हम इस सवाल पे। इस सवाल में बेटा लोअर बाउंड है 1, तो मैं फॉर का लूप चलाऊंगा, और फॉर का लूप जब चलता है तो इसमें वही वाला लोअर बाउंड इस्तेमाल होगा जो एरे के अंदर है, और वही वाला अपर बाउंड इस्तेमाल होगा जो एरे के अंदर है, ठीक है। तो होगा क्या, पहली दफा इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, सवाल में इनपुट लेना है तो मैंने कीवर्ड क्या रखा है, इनपुट, और एरे का नाम तुमने क्या असाइन किया है, नाम, तो मैंने भी क्या असाइन किया, नाम। स्क्वायर ब्रैकेट में बच्चों मैंने इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर दिया, तो होगा क्या, पहली दफा इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, डेटा जाके स्टोर हो जाएगा 1 पे। फिर सेकंड दफा इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जल्दी बताओ। दोबारा जब लूप चलेगा इंडेक्स की वैल्यू 1 के बाद क्या हो जाएगी, 2, तो डेटा जाके कहां स्टोर हो जाएगा, यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट लेके स्टोर कर देंगे 2 पे। फिर इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, तो डेटा जाके क्या स्टोर हो जाएगा, 3rd पे। फिर इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, डेटा जाके 4th पोजीशन पे। बच्चों बताओ, 1 by 1 डेटा एक एक पोजीशन पे जाके स्टोर हो रहा है, और लास्ट में 48, फिर 49 और 50 पे जाके स्टोर हो जाएगा, 50 के बाद लूप रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म सर पता मुझे है। हो जाएगा, ठीक है। बच्चों अगर तुम यहां करते 1 से लेके 50 और यहां करते 0 से लेके 49, तो सेम रहता है या अलग अलग होता? अगर यहाँ 0 से 49 करता तो एक ही बात थी, अलग अलग बात थी? बोले मैं नहीं सर, 0 कैसे आता था? कह रहा हूं दोनों सेम बात थी, अलग अलग बात है। अलग अलग कैसे? हाँ सर, ये वो तो शुरू 1 से ही होगा ना। और इसका जवाब ये है कि सर आपने जो एरे बनाई है उस एरे का लोअर इंडेक्स असाइन कर दिया 1, क्रिएट हो गया ना मेमोरी में, क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद जब तुम यहाँ पे 0 कर रहे हो तो 0 मेमोरी एड्रेस तो क्रिएट ही नहीं करा आपने,
तो डेटा कहाँ पे जाएगा? हवा में जाएगा, है ना, समझ आई बात? तो डेटा जो तुमने, एरे जो तुमने क्रिएट कर दी, जो फॉर्म करी है, वो वन से करी है, तो वो वन पे ही जाना चाहिए। यानी कि आसान मैंने क्या बोला, जो लोअर बाउंड तुम यूज करते हो उसी को लूप के अंदर इस्तेमाल करना, जो अपर बाउंड तुम यूज करते हो उसी को यूज करना। एम आई क्लियर ना बेटा? ये 1D एरे है, 2D एरे है, 1D 1D एरे। कैसे पता? जवाब, अबे भाई कोई जवाब दे दो, इसकी आवाज तो इतनी नहीं, मरी एक ही जाती है। कॉलम है। एक ही कॉलम है, ये अजीब सी बात लेके आए। कह रहे इसने कैसे याद किया हुआ बच्चे ने, मैं बता दूं। कहता सर एक कॉलम कॉलम में अगर सारी रोज होंगी तो वो 1D एरे, ठीक है। और कहता है कि सर अगर दो या दो से ज्यादा कॉलम हो, ठीक है, और रोज भी हो, तो ये क्या होगी? 2D एरे। सही, ये कॉन्सेप्ट इसका सही है, बस आसान अल्फाज में याद किया हुआ है, वो भी ठीक है। चाहिए अब एक और बात सुनो भाई, इस चीज तुमने कॉन्सेप्ट याद किया बना, इसमें गड़बड़ है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये भी तो 1D एरे, मैं कहता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इंडेक्सेस हैं, तो तुम्हारी डेफिनेशन गलत हो गई। तुम कहते हो पहले कॉलम टू में डी रो एरे नहीं में कोई, होंगी। हाँ ना, तो यही तो कह रहा हूं, अब रॉ वन हो गई और कॉलम बढ़ गए, तो ये जो रॉ और कॉलम से तुमने याद करा है ना, इसको ऐसे याद नहीं करो। आप बोलो एक इंडेक्स पे एक डेटा, एक इंडेक्स पे एक डेटा, एक इंडेक्स पे एक डेटा, आगे समझ? इसमें एक इंडेक्स पे एक डेटा है, एक इंडेक्स पे एक डेटा है, एक इंडेक्स पे एक एलिमेंट है। क्लियर है? सही। जी सर, क्लियर है। और अगर तुम बोलोगे सर 2D एरे की डेफिनेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा दो इंडेक्सेस हैं, एक रॉ है और एक कॉलम है, उस दो इंडेक्स पे एक डेटा रखा हुआ। सही है, चलो सही जी सर, पूछो सही है। गाइस। अगला सवाल भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, मैंने कहा अभी मैं आपको एरे आज रिवाइज करवाऊं, जरा देखो सवाल में हो क्या रहा है। इस सवाल के अंदर इनिशियलाइज हो रहा है, जरा बताओ सईद व्हाट इज मेंट बाय इनिशियलाइज? सईद माइक अनम्यूट करो बेटा। सईद मैं कहता हूं काउंट नाम का एक वेरिएबल लो, उस काउंट के अंदर इनिशियलाइज कर दो 5। सर असाइन करना। असाइन करना, वेरी गुड। तो क्या लिखूंगा? काउंट, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है बैक एरो, और यहां पर क्या आ जाता है? 5। तो एक्चुअली जो वैल्यू तुम स्टोर कराते हो ना, असाइन कराते हो, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनिशियलाइज, ठीक है। तो बेटा सवाल यही आया, सवाल आया एक 1D एरे असाइन, एक 1D एरे यूज करो, उस 1D एरे में टोटल कितने एलिमेंट हो? 6। तो मैंने जो एरे बनाई उस एरे का एक नाम रख दिया, नाम रख दिया नेम, ठीक है। उस एरे में लोअर बाउंड रखा 1, अपर बाउंड रखा 6, आगे लिखा एरे ऑफ क्या? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि मुझे उसने कहा है उस एरे के सारे एलिमेंट्स में, उस एरे के सारे एलिमेंट्स में एक वैल्यू असाइन कर देना, दैट इज स्टैटिक, दैट इज स्टैटिक। तो मैंने कहा डिक्लेयर नेम 1 से लेके 6 तक एरे ऑफ स्ट्रिंग, जो तुम्हारा लोअर बाउंड है उसके इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंडेक्स को बार बार इंक्रीमेंट मैं नहीं कराऊंगा, लूप कराएगा। मैंने कहा फॉर इंडेक्स, जरूरी नहीं है आप आई यूज करो, इट कैन बी काउंट, और काउंट की फर्स्ट वैल्यू 1 होगी तो डेटा 1 पे जाके स्टोर हो जाएगा, क्या? स्टेरिक। मैंने कहा एरे का नाम है नेम, नेम के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है यही वाला वेरिएबल, तो पहली दफा बताओ जल्दी से इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? बोलो बंद 1। तो स्टेरिक जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा? वन पे हो जाएगा। 1 पोजीशन पे। फिर ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2। तो नेम 2 में जाके क्या स्टोर हो जाएगा? इस तारीख करेक्ट। इतनी मरियल क्लास मैंने नहीं पढ़ाई, सोच बैठे हुए एकदम। नेम हो जाएगा 3। डेटा जाके कहां स्टोर हो जाएगा? थ्री इंडेक्स है, डेटा इंडेक्स हो जाएगा 4। डेटा जाके कहां स्टोर हो जाएगा? फोर फिर इंडेक्स है, 5 हो जाएगा, कहां स्टोर होगा? 5 में। फिर 6 फाइव होगा, इंडेक्स सही। अब 7 होगा या नहीं होगा? क्यों? नहीं होगा सर, तो उसमें है ही नहीं ना 1 to 6 का सर। शाबाश, इंडेक्सेस है ही नहीं, और इसके लिए मैंने आई लिया है, तो नेक्स्ट क्या ले लिया मैंने? आई। बच्चों इस सवाल के अंदर मैं कुछ इनपुट ले रहा हूँ, आउटपुट कर रहा हूँ, ये डेटा जाके सिर्फ असाइन कर रहा हूँ। सेवा साइन कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर एक बस आ सकता है, नहीं आ सकता? सुडो कोड के अंदर एक पशु आ सकता है, नहीं सर, नहीं आ सकता? क्या आता है? बैक एरो। अगला सवाल,
ये 2D एरे 1D एरे का कॉन्सेप्ट हो गया है। बच्चों ये एक सवाल आया था पास पेपर के अंदर, एक 2D एरे है। अच्छा पहले भाई वो बच्चे जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 2D एरे के अंदर कितने फॉर के लूप इस्तेमाल होंगे, एक या दो? बोलो, टू टू। एक दो रॉ के लिए और एक, एक कॉलम के लिए चलो कॉलम फिर और मैं रो तुम्हें कहता हूँ एक 2D एरे है और दो रॉ है। चलो दिस इज रॉ वन एंड दिस इज रॉ टू, ठीक है। एंड बच्चों दिस इज कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर एंड कॉलम फाइव, ठीक है बच्चों। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ एक एरे बना दो, ठीक है, एक इस एरे को फॉर्म करो, फॉर्म करने के लिए क्या वर्ड आता है जल्दी बताओ, कंप्यूटर की मेमोरी में फॉर्म इनिशियलाइज, करने के? नहीं, वो तो स्टोर करने के लिए आता है, फॉर्म करने के डिक्लेयर, लिए आता है डिक्लेयर। डिक्लेयर हमारे इस एरे का नाम क्या रखे हम लोग, 2D रखे, 2D। टूडी, अब बताओ रॉ कितनी है और कॉलम कितने हैं? तो दो रो है और पांच वाला में दो रॉ स्टार्ट हो रहा है, वन से लेके कहां तक, दो तक, और कॉलम कितने हैं बेटा, वन से मतलब लेके पांच। पांच तक, ठीक है। हमेशा पहले रो ही आएगा, पहले कॉलम नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, पहले हमेशा रॉ होगा, बाद में हमेशा क्या होगा, कॉलम। रॉ बेटा वन और टू है, कॉलम वन से लेके फाइव तक है, ऐसी है ना। अब बताओ इस पूरी एरे की कोई ना कोई क्या लिखूंगा, एरे ऑफ डेटा की टाइप, और डेटा की टाइप कुछ भी हो सकती है, मैंने कह दिया क्या लिख दो बेटा, इंटीजर, ठीक है। अब इस एरे के अंदर दो फॉर के लूप लगते हैं, 2D एरे में दो फॉर के लूप लगेंगे, ये फॉर होगा नीचे सी क्या आएगा नेक्स्ट, ठीक है। पहला आपका जो वेरिएबल है वो आर ले लिया, बताओ रॉ कितनी है वन से लेके, टू तक, वन से लेके टू, क्या बोला, वन से लेके टू तक, तो नेक्स्ट आर कर दिया, सही है बच्चों। तो एक्चुअल में पहली रॉ चलेगी फिर दूसरी रॉ चलेगी, इसके अंदर नेस्टेड लूप लगता है, नेस्टेड लूप का मतलब होता है अंदर वाला, है ना भाई, अंदर वाला लूप लगेगा, और अंदर वाला लूप हमेशा लगता है कॉलम के लिए। कॉलम के लिए एक वेरिएबल ले लिया दैट इज सी, जल्दी से बताओ सी में पहला कॉलम क्या है, वन वन। तो कॉलम स्टार्ट होगा वन से, और बताओ टोटल कॉलम कितने हैं, वन फाइव थ्री फोर और फाइव, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो बच्चों। सही जैद, आप लोग क्या शादी में आए, जवाब चाहिए मुझे सबके। अमार, अरीब, फुरकान, हमजा, चलो मैंने कहा फॉर कॉलम इक्वल टू वन से लेके फाइव, फाइव और यही फॉर नीचे क्या हो जाएगा नेक्स्ट, सी और क्या मैं यहाँ पे सी लिखूं या आर लिखूं, सी लिखूंगा बच्चों। ये जो एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगता है ये क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप, ठीक हो गया। अब सुनो ये चलता कैसे है भाई, ये चलता ऐसे है, सबसे पहले रॉ वन रहेगा और कॉलम वन होगा यानी कि वन कॉमा वन होगा, फिर होगा रॉ वन और कॉलम टू यानी कि रॉ वन कॉलम टू, फिर रॉ वन कॉलम थ्री, फिर रॉ वन कॉलम फोर, फिर रॉ वन कॉलम फाइव, यानी कि एक रॉ में सारे कॉलम चल जाएंगे, एक रॉ में सारे कॉलम, कॉलम वन, एक रॉ में कॉलम टू, एक रॉ में कॉलम थ्री, एक रॉ में कॉलम फोर, एक रॉ में कॉलम फाइव, फिर ये कॉलम खत्म हो गए, अब रॉ क्या हो जाएगी, टू। तो रॉ टू में कॉलम वन, रॉ टू में कॉलम टू, रॉ टू में कॉलम थ्री, रॉ टू में कॉलम फोर, रॉ टू में कॉलम फाइव, हमें क्लियर बच्चों, बताओ जल्दी से ये कैसे रन होगा, पहले क्या होगा वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, वन फिर कॉमा फिर थ्री, फिर कॉमा फोर, फाइव, वन फिर वन, फिर टू टू कॉमा कॉमा वन, वन, टू कॉमा वन, टू कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, टू टू कॉमा थ्री, थ्री, फोर, टू कॉमा फाइव, सही है ना। मतलब ये कि हर रॉ में सारे कॉलम कंप्लीट होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है 2D एरे का, ठीक है। चलो आगे लेके चलूं सवाल में, पास पेपर पे लेके चलूं, चले जी सर। बेटा ये सवाल आ गया आपके पास, इस सवाल के अंदर उसने बोला एक 2D एरे बना ले, मैंने बोला बना लूंगा, कह रहे उसके अंदर 10 रोज होंगी और 5 कॉलम होंगे, सही है। तो मैं समझ गया कि एक एरे बननी है और उसके अंदर बच्चों स्टोर करना है, स्टोर का मतलब होता है वैल्यू लेके डाल देना, जब मैं तुमसे वैल्यू लूंगा और डाल दूंगा तो उसको बोलते हैं इनपुट, बोले क्या बोलते हैं इनपुट, मैंने कहा स्टोर द वैल्यूज इन टू द 2D एरे, और एरे का नाम तुम्हें उसने बताया है नम रखना है, बोले क्या रखना है नम। तो बेटा मैं एरे फॉर्म कर रहा हूँ, फॉर्म करने का मतलब है कंप्यूटर को बोलना भाई अपनी मेमोरी में मेरे लिए जगह बना दो, और जगह बना दो, जगह बनाने के लिए डिक्लेयर रखते हैं एरे का नाम नम। बेटा रॉ कितनी है टोटल, सवाल में मेंशन है कितनी है, वन से लेके 10 तक, कॉलम कितने बेटा वन से लेके 5 तक, एरे फाइव ऑफ इंटीजर, डिक्लेयर। दो वेरिएबल ले लेते हैं क्यों,
एक फॉर लूप में रॉ के लिए चलाऊंगा, एक कॉलम के लिए चलाऊंगा, फॉर रॉ और कॉलम। ठीक है बच्चों बताओ रॉ कितनी है टोटल, 1 से लेके 10 तक। टेन इसी इंडेंटेशन में मैंने नेक्स्ट रॉ रख दिया, ठीक है। फॉर कॉलम कितनी है, 1 से लेके 5 तक। अब देखो ये बनेगा कैसे, रॉ वन ये रही, रॉ वन में सारे कॉलम बन गए, रॉ टू में सारे कॉलम चलेंगे, रॉ थ्री में सारे कॉलम चलेंगे, रॉ फोर में सारे कॉलम चलेंगे, रॉ फाइव में सारे कॉलम चलेंगे, रॉ सिक्स में सारे, रॉ सेवन में, एट में, नाइन में और 10 में, इस तरीके से होगा। अब वो आपसे कह रहा है क्योंकि स्टोर करना है, स्टोर करने के लिए अंदर मैं एक वर्ड लिखता हूँ, कीवर्ड लिखता हूँ, दैट इज इनपुट, आस्क फ्रॉम द यूजर। जैसे यूजर मुझे वैल्यू देगा, मैं उस एरे में, एरे का नाम क्या है, नम, अपनी नम नाम की एरे में सबसे पहले रॉ, रॉ की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी जब ये लूप चलेगा बच्चों, पहली दफा जब ये लूप चलेगा रॉ में क्या होगा, 1, और कॉलम भी क्या होगा, वन 1। तो 1,1 में जाके डेटा स्टोर हो जाएगा जो भी यूजर वैल्यू इनपुट देगा। सही है बच्चों, अब मैं आपको वैल्यू इनपुट दूंगा, बताना कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये लूप चलता रहेगा। अभी हम रॉ वन में, तुमने अभी मुझे बोला कि सर पहले एक रॉ में सारे कॉलम चलेंगे, तो बताओ फर्स्ट टाइम डेटा कहाँ जाएगा, 1,1 पे, फिर कहाँ जाएगा, वन वन कॉमा कॉमा टू टू वन सही है, फिर कहाँ जाएगा, 1,3, कॉमा फिर 1,4, फोर फिर 1,5, ऐसे स्टोर होगा ना डेटा, सही है यस ना। अब इसको समझ, चला आपने बोला कि सर इसमें 10 रॉ है, एक और कॉलम कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। बेटा मैं जूम कर रहा हूं, अगर इसको हमने बोला है दिस इज रॉ वन, तो फिर ये रॉ टू है, ये रॉ थ्री है, ये रॉ फोर है, ये रॉ फाइव है, रॉ सिक्स, सेवन, अगर ये कॉलम वन है, कॉलम टू है, कॉलम थ्री है, कॉलम फोर है, कॉलम फाइव, ठीक है। तो बच्चों अब देखो इसको समझना, ऐसे एरे बनेंगे। एरे का नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, स्टूडियो एरे का नाम क्या है, बोलो, सवाल में लिखा हुआ स्टूडियो एरे का नाम क्या है, नम है। नम है। अब जब ये पहली दफा लूप चलेगा तो रॉ होगी 1 और कॉलम होगा 1, और जो भी यूजर वैल्यू इनपुट देगा वो रॉ इधर जाएगा, दूसरी दफा में इधर जाएगा, तीसरी दफा में इधर जाएगा, चौथी दफा में इधर जाएगा, पांचवी दफा में इधर जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, कॉलम वाला लूप चल गया, फिर रॉ इंक्रीमेंट हो जाएगा, रॉ में हो जाएगा 2, तो फिर क्या चलेगा, 2,1, तो डेटा जाएगा 2,1 पे जो भी यूजर इनपुट देगा, फिर कहाँ जाएगा, 2,2 पे, फिर कहाँ जाएगा, 2,3 पे, फिर कहाँ जाएगा, 2,4 पे, फिर कहाँ जाएगा, 2,5 पे, दूसरी रॉ में सारे कॉलम हो गए। नाउ रॉ हो जाएगी 3, थर्ड कॉलम में, थर्ड रॉ में पहला कॉलम क्या होगा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, फिर क्या हो जाएगा, फोर्थ, फोर्थ रॉ में 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, समझ आ रहा है बच्चों। इस तरीके से 10th रॉ के अंदर सारे कॉलम चलेंगे। एम आई क्लियर बच्चों, एनी प्रॉब्लम, कैन वी मूव ऑन, जी सर, चले आगे चलते हैं। बेटा ये सवाल आया था मई जून 2023 के अंदर, मैंने पहले भी बताया था, आइए आपको रिवाइज करा देते हैं। इस सवाल के अंदर पहले 1 मिनट ले लो, देख लो, इस सवाल में एक 2D एरे बनी हुई है, 2D एरे का नाम है शीट 4, शीट 4 के अंदर कितने रॉ हैं बेटा, 2 रॉ हैं और कॉलम कितने हैं, 50, मेंशन है ना सवाल में, सवाल में लिखा हुआ है कि एक एरे बनी हुई है, एरे का नाम है शीट 4, 2D एरे है, मुझे कैसे पता, जल्दी बताओ, क्योंकि पहले रॉ बनी हुई है 2 और कॉलम कितने बने हुए हैं, 50, देख लो।
यही है ना, शीट 4 एक 2D एरे, उस शीट 4 के अंदर ये रॉ है और ये वाली रॉ है, हर रॉ के अंदर 50 कॉलम है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं जल्दी बताओ। 50 50, 100 100 क्या हो गया मार तुझे, टोटल 50 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, नहीं सर, 100 मेरा 2 रो है। सही है, कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं रोजाना इस एरे के अंदर, कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं जल्दी बताओ। 100 सर, 100, कैसे लॉजिक दो, रो 2 है ना, तो 50-50 रो 2 है, वेरी गुड, तो अच्छा सही है, 50 और 50 ठीक हो गया बेटा। ये 1D एरे 2D एरे कैसे रोज पता, एंड कॉलम। रोज और कॉलम बताओ, रोज और कॉलम यही है ना। अच्छा अब और सुन लो भाई, इस सवाल के अंदर उसने बोला है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड, सही है, रो है 1 से लेके 50। अब देखो सवाल में गलती है, क्या गलती है, पहली बार बताओ, दो दफा फॉर का लूप चल रहा है या नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, उसने कहा कि भाई चलो इसको ऐसे करते हैं, इसके अंदर बताओ रॉ कितनी है, आपने बोला सर रॉ 2, कौन कौन सी, रॉ 1 और रॉ, बोलो रॉ 1 और रॉ 2, टू आप हमेशा लिखते हो, आप हमेशा लिखते हो शीट 4, यहां लिखोगे रॉ और यहां लिखोगे कॉलम, ऐसे लिखोगे ना, अगर मैं तुम्हें पहले ही बोल दूं कि यार रॉ 1 करके कॉलम का लूप चला दो और रॉ 2 करके कॉलम का लूप चला दो, तो आप बोलोगे ठीक है यार आपने तो रॉ की वैल्यू खुद ही डाल दी, मैंने रॉ की वैल्यू खुद ही से फिक्स कर दी, वेरिएबल को बोला कि भाई तुम छोड़ दो, ठीक है। आइए इस सवाल में यही काम हुआ है, क्या काम हुआ है जरा देखिएगा, इस सवाल में जो इंडेक्स वेरिएबल है उसका नाम है पी काउंट, क्या नाम है, पी काउंट, पी काउंट चल रहा है 0 से लेके 49 तक, ठीक, और शीट 4 के अंदर रॉ 1 का नाम क्या है बेटा, 1, रॉ 1 का नाम क्या है, 1 विच इज गुड, रॉ 2 का नाम है 2 विच इज ऑल्सो गुड, सही है, बिल्कुल सही है ना भाई, वैल्यू फिक्स करा दी ना, बताओ कॉलम के लिए इंडेक्स चल रहा है दैट इज पी काउंट, पी काउंट पहले होगा 0, बच्चों क्या 0 कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नहीं करता, नहीं नहीं करता, करता। तो गलत लिखा है ना इस बंदे ने, क्या गलत लिखा है, जब इसने बोला कि कॉलम स्टार्ट होगा 1 से, तो भाई 1 से ही स्टार्ट करते ना, तुमने 0 लिख दिया तो 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 0 तो क्रिएट ही नहीं करा था, इसको लूप चलाना चाहिए था 1 से लेके कहां तक बच्चों, 50 तक। जैद बाकी बच्चे रीजन दे दें ये क्यों गलत है, फुरकान रीजन दे दें बेटा, आवाज नहीं आ रही, अहमद, फुरकान, जैद, सईद, वाई दिस फॉर लूप इज इनकरेक्ट, सर बिकॉज उसने डिक्लेयर जो किया है वो 1 से लेके 50 तक किया है, और उसके लूप के फॉर के लूप के अंदर 0 से स्टार्ट किया है, तो तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जो एरे फॉर्म जीरो करी है उसमें वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो डेटा कहाँ जाएगा, हवा में, समझ आ गई, सही है। अच्छा वो बोलना ये चाह रहा था, कह रहा है 0 पे जाके 0 स्टोर कर देना, मैंने बोला भाई ये है नहीं, फिर काउंट हो जाएगा 1, तो 1 पे जाके 47 स्टोर कर देना, वो हो सकता है बच्चों, इस लाइन का कोई आउटपुट होगा, अच्छा दोनों का ही नहीं होगा, पूछो क्यों, वो कह रहा है रॉ 1 में कॉलम 0 पे जाके 0 स्टोर करो, भाई रॉ 1 का कॉलम 0 है, मैं कह रहा हूँ रॉ 1 का कॉलम 0 है या नहीं है, तो नहीं है ही, ना। रॉ 2 का कॉलम 0 है, आप बोलो यार रॉ 2 का कॉलम 0 भी नहीं है, तो ये दोनों लाइनें इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पी काउंट फॉर का लूप, समझ आ गई। अब मैं एक टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ, अम्मार बेटा बताओ इसमें रॉ, इस लाइन के अंदर, लाइन नंबर 101 के अंदर बताओ रॉ क्या है, 1, वन तुमने वैल्यू फिक्स करा दी ना, रॉ 2 में कॉल रॉ सॉरी 102 लाइन के अंदर रॉ क्या है, तुमने टू वेरिएबल लिखा है वैल्यू फिक्स करा दी, वैल्यू फिक्स करा दी, जाबश, बट कॉलम के लिए तुमने क्या यूज करा है, पी पी काउंट, काउंट इंडेक्स वेरिएबल, जिसका लूप के अंदर एग्जिस्टिंग ही नहीं लिखा, 1 से लेके 50 तक करना चाहिए था, बच्चों ये सवाल आया था नीचे, जरा सवाल पढ़ने बड़ा आसान है, कह रहे इस ये जो शीट है शीट की डायमेंशन क्या है, मैंने कहा 2D, कह रहे था नेम ऑफ द वेरिएबल जो कि इंडेक्स है, बच्चों बताओ इंडेक्स वेरिएबल कौन है,
पी काउंट, बताओ काउंट टोटल कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। एक रो में 50, दूसरी में 100 50, 50 और 50 कितने बेटा, 100 है ना। कह रहे पी काउंट में क्या गलती है, हमने बता दिया, हमने बोला भाई पी काउंट को तुम अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर दो 1 से लेके 50 तक, और यहाँ पे गलत यूज करते हो, तो हमने बता दिया कि इन लाइन के अंदर ये गलती है, देख लो आराम से। पर उसने कहा है पी राउंड के अलावा बताओ ना। हाँ, उसने ये नहीं बोला, नहीं अब सवाल गलत समझे, कह रहा है एक गलती ये है कि, बल्कि एक गलती क्या है, आप बोलोगे सर इसने पी काउंट को डिक्लेयर नहीं करा, जो कि डिक्लेयर करना चाहिए था क्या बेटा, इंटीजर, कह रहा है पी काउंट इंटीजर या जो भी है इसको डिक्लेयर नहीं करा, ये गलती है, उसने खुद बोला ये गलती है, ये वो ऑलरेडी बता रहे, कह रहे इसके अलावा क्या गलती है, तो हमने बता दिया कि भाई पी काउंट के कॉलम जो है वो 1 से लेके 50 तक है, बट पी काउंट जो कॉलम का इंडेक्स वेरिएबल है उसको भी 1 से 50 तक रखना चाहिए था, और उसको रख दिया 0 से लेके 49, ये बात है, ठीक है, देख लो अंग्रेजी देख लो क्या लिखी है, पढ़ लो, कह रहे द सेकेंड डायमेंशन ऑफ द एरे, सेकेंड डायमेंशन ऑफ द एरे क्या है बेटा, पी काउंट, फर्स्ट डायमेंशन रॉ है जो कि सही है, लड़को बताओ सेकेंड डायमेंशन क्या है एरे की, मतलब सेकेंड डायमेंशन क्या है, कॉलम ना, कॉलम के लिए कौन है, पी काउंट, तो पी काउंट को 1 से लेके 50 तक तुमने डिक्लेयर करा है, और लूप के अंदर क्या चला रहे हो तुम, 0 से लेके 49, तो ये सही है या गलत है, वन टू बोलो, फिफ्टी है ना, गलत होगा ना। गलत होगा, डिक्लेयर करते हो 1 से 50 और फॉर के अंदर यूज करो 0 से लेके 49, तो ये गलत है, इससे कौन कौन सी लाइन इफेक्ट होगी बच्चों बताना, फिफ्टी वाली होगी ना। मैं कह रहा हूं कौन कौन सी लाइनें गलत हैं, अगर आप ये करते हो तो कौन कौन सी लाइनों में मसला आएगा, सबसे पहली बात लाइन नंबर 10 गलत है, क्यों गलत है, अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा, अगर मैं बोलता हूँ 1 से लेके 50 तक है, तो भाई ये भी सही नहीं चलेगी, सही नहीं चलने का मतलब ये है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लाइन नंबर 100 में भी प्रॉब्लम है, हाँ लाइन नंबर 101 तो है ही सही नहीं क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और 102 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन कौन सी लाइन बोली, लाइन नंबर 10, 100, 101, 102, इनमें प्रॉब्लम आएगी, जरा देखो क्या लिखा हुआ, कौन कौन सी लाइन के अंदर एरर अकर होगा, हमने कहा लाइन नंबर 10, 100, 101, 102, अगर तुम पी काउंट को डिक्लेयर करते तो डेटा की टाइप क्या यूज करते, इंटीजर, सो कौन सा देख लो, कोई सवाल है तो पूछो, सलाम वालेकुम सर, नेक्स्ट पी काउंट वाली नहीं काउंट होगी एरर में, दोबारा नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 103 लाइन नहीं होगी एरर में काउंट, नहीं ना उसका क्या काम, वो तो फॉर का लूप है, फॉर का लूप खत्म कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, नेक्स्ट, अगर वो पी काउंट की वैल्यू 0 हो तो फिर एरर हो जाएगा ना। हाँ एरर होगा बिल्कुल, तो वो तो 0, यहां बता रहा हूं ना लाइन नंबर 100 में, देखो जहां जहां पे मिस्टेक आ सकती है वो क्या है, एरे जो तुमने क्रिएट करी है वो मैच नहीं कर रहा, तो 10 में गलती आ रही है, 100 में क्या आ रही है, क्योंकि 0 एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी वजह से 101 के अंदर 0 कॉलम नहीं होगा, उसकी वजह से 102 के अंदर 0 कॉलम नहीं होगा, नेक्स्ट पी काउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि इसका काम होता है सिर्फ पी काउंट की वैल्यू आगे बढ़ाना बस, सही है बच्चों, अब अगर तुम्हें कोई बोले कि भाई इसमें तुमने पी काउंट को डिक्लेयर नहीं किया, नहीं किया ना, उसने खुद ही बता दिया था कि मैंने पी काउंट को डिक्लेयर नहीं करा, इसके अलावा बताना, अगर कोई तुम्हें बोले पी काउंट को डिक्लेयर करना है तो तुम पी काउंट को क्या डिक्लेयर करोगे, इंटीजर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ये एक और सवाल आया था, किसका सवाल आया है बेटा, 2D एरे का, इस 2D एरे के सवाल को जरा सुकून से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे इस सवाल में क्या करना है, सर ये एक 100 एलिमेंट्स का 1D एरे है ठीक है, जिसमें हमें सर्च करवाना है कि किस किस इंडेक्स पे एम्प्टी लिखा हुआ है और उसको काउंट करवाना है। सही, कहां कहां पे एम्प्टी लिखा हुआ है,
और उसे क्या करवाना है, काउंट। इस सवाल में लिखा होता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, बट मैं आपको कह रहा हूं कि आप लिखेंगे ये सूडो कोड। ठीक है बच्चे, इस बच्चे ने बात क्या बोली है, कह रहा है सवाल के अंदर कह रहा है कि 100 इंडेक्सेस हैं, क्या इसने जो बात बोली है उसकी डायग्राम मेरे पास बिल्कुल सही बनेगी। कह रहे हैं 100 इंडेक्सेस हैं, 1D एरे है, मैंने बोला 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूशन दिखाई और 98, 99, 100 कहीं कहीं पर अनयूज एलिमेंट है जो इस्तेमाल नहीं हुए, और अनयूज एलिमेंट की जगह पर लिखा हुआ है एम्प्टी। क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी। आपको सवाल में करना है क्या है बता दो मुझे दोबारा उर्दू में, जैद आप बताओ सवाल में करना क्या है। पॉइंट नंबर 1, सर्च करवाना है 1D एरे में और पूरी इंडेक्सेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां तक जाएगा, 100 तक। आगे बोलो, काउंट करना है कहां कहां पे एम्प्टी लिखा हुआ है, जहां जहां पे एम्प्टी लिखा हुआ है उसकी अलग से काउंटिंग कर लेना। ठीक है, समझ आ गया बच्चों सवाल, सवाल समझ आ गया तो कोड समझाओ। ठीक जी सर। है, सबसे पहले मैंने इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, क्यों हिल जाएगी बच्चों, मैंने इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, दैट इज आई, आई की रेटे की टाइप कर दी इंटीजर। एक एरे बनाई, उस एरे का नाम सवाल में मेंशन नहीं है तो मैंने 1D कर दिया। बच्चों बताओ लोवेस्ट इंडेक्स क्या रखूंगा, वन रखेंगे। और सबसे अपर बाउंड क्या रखूंगा, 100, और बोल दिया एरे ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों कहा है बच्चों मैंने, इंटीजर क्यों नहीं बोला, बोलो जल्दी वो एम्प्टी है ना, नंबर नहीं है कोई। भाई। एम्प्टी भी है और नंबर भी है, तो एम्प्टी वर्ड के लिए, एम्प्टी वर्ड नंबर में थोड़ी जाएगा, तो एम्प्टी के लिए क्या रखा है, स्ट्रिंग। फिर मैंने यहाँ पे काउंट, क्योंकि मैं काउंटिंग करूंगा तो काउंटर वेरिएबल ले लिया, दैट इज काउंट, और काउंट के अंदर पहली दफा इनिशियलाइज कर दिया 0, क्योंकि मैं आगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करने वाला। फिर बेटा मैंने फॉर का लूप लगाया और मेरा आईपैड का पेंसिल गिर गई। अगर ये वर्क करी तो ठीक है, नहीं करी तो तुम लोगों ने बद्दुआ दी होगी, उठाने दो मुझे। चेक करते हैं बच्चों, माशाल्लाह माशाल्लाह, हलाल के पैसों की कहीं नहीं जाएगी। अच्छा मैंने कहा काउंटिंग स्टार्ट, काउंटर के अंदर आ गया 0। अब इंडेक्स वेरिएबल हमने लिया था आई, और आई की लोअर बाउंड वही होगा, आई भी 1 से लेके कहां तक चलेगा, 100 तक, सही है ना। अब क्योंकि सर्च कराना है बच्चों, जब भी मैं सर्च कराता हूँ ना, मैं हमेशा कराता हूँ कंपेयर। कंपेयर किसको कराऊंगा, एरे। एरे का नाम क्या है, 1D। एरे का नाम क्या है बेटा, मैंने रखा है क्या, 1D। अगर एरे का नाम 1D है, अगर एरे का नाम 1D है, ठीक है, तो इधर देखो बच्चों, मैं अगर लिखता हूं 1D ऑफ 1, चलिए बताओ 1D ऑफ 1 में क्या रखा हुआ है, एम्प्टी। एम्प्टी ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 1D ऑफ 2, तो 1D ऑफ 2 में कुछ भी रखा हुआ होगा, समझाने के लिए नहीं लिख रहा। तो बच्चों मैं ये 1 लिखूं, 2 लिखूं 1D, और फिर यहाँ 3 लिखूं, या इस 1, 2, 3 के बजाय सिर्फ अंदर डाल दूं आई इंडेक्स। बोलो, मैं बार बार वेरिएबल का नाम लिखूं या डायरेक्ट आई लिख दूं, सर, आई से क्या होगा? आई से क्या होगा, देखो आई की वैल्यू पहले 1 होगी, तो डेटा कहां पे जाएगा, 1 में, है ना, फॉर का लूप है ना आई। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 2, तो डेटा कहां पे सर्च होगा बेटा, 2 में, आई एज हाँ सही इंडेक्स कहा। वेरिएबल ना। और अगर मैं 1D करके स्क्वायर में आई दोबारा लिखूंगा तो आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, डेटा कहां पे सर्च होगा, थर्ड ठीक पोजीशन है पे, ठीक समझ आ रहा है बच्चों। अगर 1D एरे में फिर दोबारा आई लिखूंगा और आई की वैल्यू 4 होगी तो डेटा कहां पे सर्च होगा, 4 में। एम आई क्लियर बच्चों, जी सर, क्लियर। बोलो ये सुनो सारे बच्चे, ये समझ आ गया आई लिखने से क्या फायदा है। यस सर। अब तुम्हें सर्च कराना है इस पूरी एरे में, तुम्हें सर्च कराना है इस पूरी एरे में एम्प्टी वर्ड, तो मैं बोलूंगा इफ, कंपेयर कराना, इफ डैश इक्वल्स टू डैश। बच्चों पहले डैश में आएगा एरे का नाम, और एरे का नाम है 1D, और 1D एरे का इंडेक्स वेरिएबल क्या है, आई। अगर 1D एरे के आई में कौन सा वर्ड हो, जल्दी बताओ मुझे, सवाल में लिखा हुआ कौन सा वर्ड है, एम्प्टी। एम टी कौन सा वर्ड है, एम्प्टी। तो एक्चुअली होगा क्या, अगर लूप चल रहा है तो फर्स्ट इंडेक्स पे अगर एम्प्टी होगा तो तुम काउंटिंग करा देना, मिल जाएगा, और अगर एम्प्टी नहीं होगा तो इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा, 2,
तो सेकंड इंडेक्स पे जाके सर्च होगा एम्प्टी है या नहीं है, फिर इंडेक्स हो जाएगा 3, थर्ड इंडेक्स पे जाके होगा, इंडेक्स हो जाएगा 4th, फोर्थ इंडेक्स पे, इंडेक्स हो जाएगा 5, फाइव इंडेक्स पे, समझ आ रहा है। इन दोनों वैल्यू को हम करवा रहे हैं कंपेयर, कंपेयर को बोलते हैं सर्च कराना, बोलो कंपेयर को क्या बोलते हैं, सर्च कराना। अब आ जाओ, मैंने यहाँ पे यही तो करा है, मैंने फॉर का लूप चलाया है और यहाँ पर फॉर का लूप खत्म करा है, ठीक है। अब मैंने बोला इफ, इफ क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कंपेयर करवा रहा हूं हर इंडेक्स को एम्प्टी वर्ड से, अगर ये दोनों बराबर आ गए, अगर ये दोनों बराबर आ गए, अगर ये दोनों बराबर आ गए, क्या पहले इंडेक्स की वैल्यू एम्प्टी के बराबर है तो काउंटर के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देना, और अगर बराबर नहीं आए तो दूसरे इंडेक्स पे जाना, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू में भी अगर एम्प्टी है तो काउंटर में +1 करना, और अगर नहीं है तो आगे जाना, इंडेक्स हो जाएगा 3, थर्ड इंडेक्स पे अगर एम्प्टी लिखा हुआ है तो काउंटर कर देना, अगर एम्प्टी नहीं लिखा हुआ, वैल्यू का इक्वल नहीं हो रही, तो फिर फोर्थ इंडेक्स पे जाके चेक करना, फिर फाइव इंडेक्स पे जाके चेक करना, फिर सिक्स पे। बच्चों बताओ टोटल कितने इंडेक्सेस पे जाके एम्प्टी को कंपेयर करेगा या चेक करेगा, 100 100। जब से 100 तक हो जाएगा तो फिर ये लूप क्या हो जाएगा बताओ, एंड हो जाएगा। एंड हो जाएगा। एंड होने के बाद अम्मा तुमने सारी काउंटिंग, जैद तुमने सारी काउंटिंग किसमें करी है बेटा, एक वेरी काउंट काउंट, तो मैंने आउटपुट कराया मैसेज टोटल एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स किसमें आएगा टोटल काउंट काउंट में। सर बच्चों समझ आ गया, ये सर। मई जून 2019 का पास पेपर है ये, देख लें। ये 1D एरे है, 2D एरे, 1D आई बेटा ये एक सवाल है जो आपको घर से करना है, इसका स्क्रीनशॉट लें। मैंने अभी आपको होमवर्क जो दे रहा हूं ना, कल की क्लास से पहले पूछूंगा, मुझे आज चाहिए ये, कल शाम 5 बजे तक मुझे ये होमवर्क चाहिए, तो ही क्लास में एंटर होगे, स्क्रीनशॉट लो उसका। करवाऊंगी ये सवाल, कल कराऊंगा, चलो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। बताओ इस सवाल में हो क्या रहा है, इस सवाल में कितने वेरिएबल्स हैं, तीन पागल हो गया तू, नहीं चाह रहे थे 40 हैं, ये कंटिन्यूशन दिखा रहा है। इस सवाल में पहले वेरिएबल का नाम क्या है, मुजम्मिल, M1 सईद, जैद, अरीब, अहमद, आप लोग बताओगे। जल्दी बताओ जल्दी, सर नीम वन है ना वेरिएबल का नाम, दूसरे का नाम, नेम टू, तीसरे का नाम, नेम थ्री, और लास्ट क्या है, नेम 40। नेम 40। एक्चुअल में 40 वेरिएबल्स हैं, ठीक हो गया। अब आगे बताओ क्या हो रहा है, एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, मैसेज क्या है, एंटर द नेम फॉर द स्टूडेंट वन, और उस स्टूडेंट वन के नाम को किसमें स्टोर कर रहा है, नेम वन में। फिर एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, एंटर द नेम फॉर द स्टूडेंट टू, और उसको कहां करवा रहा है, स्टूडेंट, सही है ना। 50 बच्चों को वन बाय वन लाइन इनपुट दे रहा है और उसको स्टोर करवा रहा है, सॉरी 50 नहीं 40 बच्चों को, है ना सर भाई। टोटल 40 स्टूडेंट्स का नेम इनपुट करवाना है हमें। हाँ तो बच्चों इसने जो वेरिएबल की ख्वारी करी है, क्या ये सही है या इसका कोई एफिशिएंट सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, सर क्या है बोलो, इनका एक एरे बना दें, इनका एक एरे बना दें, समझ आया, इनका एक क्या बना दें, एरे। अब्दुल हन्नान क्या वेरिएबल्स, 40 वेरिएबल इस्तेमाल करूं या एक एरे बना के 40 इंडेक्स बना दूं। तो एक एरे बना के कर ले। अच्छा आपको सबसे पहले ये देखना होता है क्या इन सारे वेरिएबल्स की डेटा की टाइप सेम है, देखो सेम है या नहीं, तो सेम है। फिर तो बन सकता है ना, ठीक है। और ये तुम्हारा 40 का इनपुट है, सही है, बन सकता है ना बच्चों, यस सही है। तो बेटा वो आपसे यही कह रहा है, कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सूडो कोड टू द एफिशिएंट वे, बच्चों एफिशिएंट वे क्या होगा, एरे, है ना, बना सकते हो क्लास ऑफ द 40 स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, ये होमवर्क से करना है, ये कंटिन्यूशन दिखाइए उसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे डालो, अगला सवाल है रेखा, ये रहा अगला सवाल। इस सवाल में मैं आपको नहीं बता रहा, अब तो कर सकते हो ना यार, नहीं कर सकते, ट्राई करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी उम्र क्या
ये भी होमवर्क है जी। एक और सवाल देखता हूँ, ये रहा। ये भी होमवर्क। कितने सवाल दे दिए? पांच हो गए। छठा सवाल। चलो ये नहीं होगा आपसे, ये हो जाएगा बच्चों वाला सवाल। चलो चलो शाबाश। डन। ये सर चले भाई, अरीब अहमद, अब्दुल हन्नान, अम्मार, जैद, सईद, मुजम्मिल, फुरकान और बाकी बच्चे बेटा सारे याद रखें, ये सवाल भेजेंगे कल तक, वरना 1D array और 2D array में प्रॉब्लम होगी। सही है बच्चों? खुद से करें, खुद से प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई मसला हो तो मुझे बताएगा। कल की क्लास सेम टाइम पे शुरू होगी और 9 से लेकर 10:30 तक हमारी क्लास होगी। सर अगर ये स्क्रीनशॉट लेक्चर के किसी ग्रुप में जा रहे हैं तो उस ग्रुप में मुझे ऐड कर दें, सिंस आई एम द ओनली CS 2024 ओनली ग्रुप। अरे बेटा आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको ये प्रीमियम लेक्चर्स के जो ग्रुप है हमारा उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, पी एम आर।